ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये मान्यता होती है कि थोड़ा सा जब वो दर्द होता है ना, वो इग्नोर करते हैं, वो सोचते हैं वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक ठीक होने में उसके 3-4 साल चले जाते हैं, लेकिन वो 3-4 साल में ऑटोमेटिक कभी ठीक नहीं होते हैं। सो समझने की बात यह होती है कि जब भी आपको दर्द कमर में है, तब आप समझ जाओ कि आपका स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम चालू हो गया है। अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेते हो और इग्नोर करते करते अगर चले जाते हो, सो क्या होता है, अगर हम अंदर से देखें तो आपके यह जो मसल होते हैं वो वीक पड़ना शुरू हो जाते हैं। सो आपके यह सब जो स्पाइन को पकड़ के रखते हैं, यह सब मसल वीक हो जाते हैं। यह मसल जब वीक होते हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट आपके L4-5 के बीच में आता है, और उसके ही हिसाब से अंदर का जो आपकी डिस्क होती है, माने कि यह जो आपकी गादी होती है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। और जब उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तब जाके आपका दर्द नीचे चालू हो जाएगा। सो किसी को भी जब भी पहला ही सिम्टम्स अपीयर हो, यानी कि जब भी आपको कमर में दर्द हो, यहाँ से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अदरवाइज वो पूरा दर्द आपको धीरे धीरे ऐसे कोई भी एक पाँव में, राइट और लेफ्ट में, धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है, आपको खड़े रहने में, चलने में दिक्कत आने लगती है। और साथों साथ अगर देखें तो जब भी यह दर्द बहुत बढ़ता है, तो आप ऐसे हो जाते हो, पूरे बैंड हो जाते हो। सो बहुत ही ज़रूरी होती है राइट टाइम पे राइट इलाज, राइट सारवार आपको कर लेनी चाहिए। हमारा मानना होता है अगर राइट टाइम पे आप इसकी सारवार करते हो, तो आपको कभी भी सर्जरी की, कोई स्टीरॉयड इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हम फटाफट ठीक हो जाए। मैं ऑलवेज बोलता हूँ आप कंप्लीट ठीक हो जाओ। फटाफट और कंप्लीट में बहुत फर्क होता है, क्योंकि फटाफट तो स्टीरॉयड भी कर देगा, और कंप्लीट ठीक करने में आपको यह समझना है कि आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है। क्योंकि नॉर्मली अगर आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स सही रहता है, तो 10 से 15 बार जब हम यह ट्रीटमेंट करते हैं, आप कंप्लीटली रिकवर होते हो। लेकिन साथ में आपको रेगुलर कसरत करनी रहती है, आपका पोस्चर को सीधा रखना होता है, जो गाइडेंस हमारी टीम के डॉक्टर्स आपको देते हैं। और ठीक होने का मतलब यह नहीं होता है कि फिर से नहीं आएगा। ठीक होने का मतलब ये होता है कि एक बार जब ठीक होते हो, तो जो कसरत आप करते हो वो आपको लाइफ टाइम करनी है, जिससे आपके मसल स्ट्रेंथन रहेंगे, जिससे आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो यह होती है, जिन लोगों को कमर का दर्द है, जिन लोगों को साइटिका दर्द है, पहले तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप घबराते हो आपका हीलिंग उतना वीक हो जाता है। सो समझने की बात है, आपको पहले घर पे ही इलाज करना है। जो मेथड हमने बताई, RICE, यानी कि रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, वो आप फॉलो कीजिए। 7 दिन में आपको डिफरेंस लग जाएगा। अगर उससे आप ठीक हो जाते हो, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, फिर खाली आपको कमर की एक्सरसाइज करनी होती है। लेकिन अगर आप उससे ठीक नहीं होते हो, तो आप हमारी टीम को कंसल्ट कर सकते हो। जो टीम सबसे पहले आपको वो मदद करेगी कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कितना प्रॉब्लम है, और आप कितने दिन में ठीक हो जाओगे। जितनी जल्दी आप इनकी सारवार करोगे, और जितनी जल्दी ये रोग को आप समझ पाओगे, जितनी जल्दी आप रोग को समझ पाओगे, उतनी जल्दी आप उसका सारवार कर पाओगे। सो हमारी पूरी टीम, जैसे मैंने दिखाया वैसे 4D टेक्नोलॉजी से आपका जो डायग्नोसिस होता है, जो निदान होता है, वो करने में एक्सपर्ट है। तो आपके साइटिका को वो अच्छी तरह से वो निदान कर देगी, और आपको बता देगी कि 10-15 दिन में आप कैसे ठीक हो पाओगे, और परमानेंटली भी आप इससे ठीक रह पाओगे।